शाम के 5 बजने वाले हैं। 5 बजे नहीं है अभी, 5 बजने में 10 मिनट है। और अभी मैं यहाँ पे ना पर्दे लगाने आई थी, तो मैंने अपने को बताया मैंने यहाँ ये वाली बेड सीट बिठाई है, यानी बेड सीट बिछाई है, बिठाई नहीं है बिछाई है, थोड़ा अजीब सा लगे हो जाता है ना, तो यहाँ पे अच्छी लग रही ना, तो ये वाली बेड सीट बिछाई है। और मैं यहाँ पे पर्दे लगाने आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ पे लैंप दिखाती हूँ, तो सुंदर है ना, या ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज मतलब ऑरेंज बना हुआ है उस टाइप में है, ऐसे जलता है बस ऐसे छूने से, ऐसे जल ऐसे करके बन जाएगा ऑटोमेटिक है। तो मैं यहाँ पर्दे लगा देते हैं क्योंकि ठंड हो गई। वैसे तो खैर मैं दिन में ही लगाती हूँ जैसे धूप से जाती है, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, पर्दे लगा दिए हैं। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वैसे तो खैर मैंने सोचा नहीं था लेकिन हो जाता है ना, अचानक से देखो इसके ना बेड शीट और ये ना बिल्कुल मैचिंग मैचिंग है ना तो वाला जब मैंने बिछाई निकाली थी और बिछाई थी ना तब भी मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने बाद में ध्यान किया ना कि यहाँ के पर्दे और बेड शीट ना मैचिंग मैचिंग है, अच्छा लगा ना। तो किसी ने आना भी आज हमारे घर में ना, तो इसलिए मैंने वाली बेड शीट बिछा ली थी, और आज यहाँ मैंने फिर वही वाले कवर निकाल लिए हैं। बस मैं करती रहती हूँ, कभी अंदर डालती रहती हूँ कभी बाहर निकालती रहती हूँ। और मुझे बनाना है खाना, खाना मुझे जल्दी बनाना है, जल्दी मतलब अभी से लग जाऊँगी तो उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मटर छिली हुई है, ये देखिए मटर छिली हुई है, तो मटर मैं उबालने के लिए रख लूँगी। एक दो बर्तन रखे हैं मेरे जात में दूध के बर्तन है, बच्चों को दूध दिया था मैंने दिन में, दूध के बर्तन है। और तो मेरे खैर सारे बर्तन साफ कर रखे हैं और किचन पूरी क्लीन है, और यहाँ पर रखे हैं चॉपर्स, तो बस मटर उबालने के लिए रख दूँगी। और तब फटाफट से मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मुझे मटर पनीर बनाना है और प्लस बनाना है मिक्स वेज, तो मिक्स वेज में सब्जी में वही डालूँगी जैसे आजकल होता है ना, शिमला मिर्च हो गया, गोभी, गाजर, सारी सब्जियाँ मिक्स करके मिक्स वेज बना लूँगी, और वो बना लूँगी मतलब मटर पनीर बना लूँगी, देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, तो टाइम से लग जाऊँगी फटाफट से खाना बनाने पे। फिर वो जाता ना अभी टाइम है, अभी इससे पहले मैंने कपड़े वपड़े तय लगाए, फिर छत से कपड़े ले गए, और अभी 5 भी नहीं बजा और मौसम मतलब धूप वो हो गया है, धूप ना एकदम से चली गई है। मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी बाहर का व्यू भी दिखा देते हैं, शाम का कुत्ते उधर वहाँ पर सो रहे देखो, गुलाबी भी सुंदर है ना, गुलाब सारे गुलाबी गुलाब हो सो रखे हैं क्योंकि वहाँ पे हल्की फुल्की धूप आ रही है ना, तो वहाँ पर सो रखे हैं। यहाँ पे मैट बिछा लूँगी और फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे, लग जाते हैं अपने काम पे क्योंकि टाइम से काम पे लग जाऊँगी तो फिर फटाफट से हो जाएगा। और पता है जैसे पहले वाला वीडियो आया था ना उसमें मतलब मेरा ज़्यादा वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग में ही चल गया था, ज़्यादा वो नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा आज मैं पहले आराम से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, लाइट जला दी मैंने पूजा वाले कमरे की, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा बातें भी हो जाएंगी क्योंकि फिर मे भी मुझे टाइम लगे ना लगे, क्योंकि वही हो जाता है ना फिर कोई आ जाता है तो फिर हम बिज़ी हो जाते हैं। तो बस निकाल लिया मैंने चाकू चाकू निकाल लिया, सब्जी निकाल लेंगे और फटाफट से पहले सबसे पहले तो खैर मैं मटर उबालने के लिए चढ़ा लूँगी और दूसरी तरफ मैं सब्जी काट लूँ क्योंकि मटर फिर वही होता है ना पकती नहीं है, सब्जी कच्ची सी रह जाती है ना, वैसे पक डालने के लिए वैसे भी डालो फिर पकाने में टाइम भी लगता है और अच्छे से पक भी नहीं पाती है, इसलिए मैं मोस्टली मटर उबाल के ही बनाती हूँ। तो बस फटाफट से मटर को उबालने के लिए चढ़ा लेते हैं और लग जाते हैं फटाफट से अपने काम पर। और इसके बाद लग गई थी मैं किचन में अपना काम करने के लिए, तो इधर मैंने एक तरफ कढ़ाई में मिक्स वेज मतलब जो मुझे मिक्स वेज सब्जी बनानी थी वो चढ़ा ली थी, और दूसरी तरफ मैं मटर पनीर के लिए मतलब मसाला बना रही थी मतलब प्याज और टमाटर फ्राई कर रही थी। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ मतलब वो आप लोग कह सकते हैं शेयर नहीं किया था क्योंकि मटर पनीर की रेसिपी बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ, और फिर मुझे थोड़ा मतलब जल्दी में काम भी करना था, जल्दीबाजी में मैं खाना बना रही थी ना, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, वरना तो जो मैंने मिक्स वेज बनाई थी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसके उसमें मैंने मतलब गाजर, गोभी और फ्राजबीन होता है, गाजर थी, गोभी थी, फ्राजबीन थी, प्याज था, आलू नहीं डाला था मैंने क्योंकि ना आलू से ना मतलब आलू एक तो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, उससे ना मिक्स वेज मुझे अच्छी नहीं लगती,
लेकिन मैंने वो डाल लिए थे, मखाने डाल लिए थे, तो मखाने डाल लिए थे और पनीर, पनीर भी डाल लिया था। और मिक्स वेज में इस एक तरफ सब्जी बन चुकी थी, दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद लिया था, तो खाना मुझे जल्दीबाजी में ही बनाना था, इसलिए बस इधर मेरा आटा गूंद चुका है, उधर मसाला बन चुका था पनीर के लिए, जो मुझे मसाला तैयार करना था वो बन चुका था, और मैंने गैस बंद कर लिया था क्योंकि फिर जब वो ठंडा होगा तभी मैं उसे पीस सकती हूँ, क्योंकि अगर हम वही होता है ना, गरम 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 पीसेंगे तो वो हो जाती है, मसीन उछल जाती है। तो बस उधर मैंने वो ठंडा करने के लिए रख लिया मसाला, इधर सब्जी बन गई थी और आटा भी मेरा गूंद चुका था। सब्जी मेरी बन चुकी है, सब्जी खाना मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो सब्जी बन गई है, मिक्स वेज बना लिए मैंने, और यहाँ पे प्याज टमाटर का मसाला जो है दिख नहीं रहता है, ये भी मैंने पका लिया, मतलब इसमें वो करना है, पीसना है, प्यूरी बनानी है, और आटा मैंने गूंथ लिया है। तो बस फटाफट से पनीर का मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद प्यूरी को पीस के फटाफट पनीर बना लेती हूँ, और उसके बाद देखूँगी अगर टाइम लगा तो शायद मैं थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी, दाना और ना दाने से, तो फटाफट से चटनी भी बना लूँगी टाइम हुआ तो, देखती हूँ क्या कहता है। और अभी बच्चे भी बैठे हुए हैं टीवी में, क्योंकि अभी सो रखा था बेटा, तो मेरे अभी तक सो रखा था, अभी देख रहे हैं टीवी, भारत अंधेरा हो गया उनका, भाई की जल्दी, मतलब मेरे किचन का काम भी निपटा, भारत की जल्दी अंधेरा हो गया। थोड़े टीवी देखेंगे, थोड़े अपना पढ़ाई करेंगे। तो अभी ले टीवी और 6 बज गया, बैल सुना है ना, 6 बज गया, तो और मटर मैंने उबाल लिए, तो बस थोड़ा सा काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, फटाफट। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने सुबह सुबह थोड़ा वीडियो शुरू कर लिया है, शुरू क्या कर लिया, मतलब कैमरा उठा लिया है, क्योंकि कल भी ढंग से नहीं बना पाई थी, वही जैसे मैंने आप लोगों को बोला गेस्ट आने वाले थे तो वीडियो में पूरा नहीं कर पाई। और यहाँ पे चढ़ा रखी है मैंने कड़ी और नाश्ता एक बार का, तो फिर मैंने मॉर्निंग में बना लिया क्योंकि जाना था उन लोगों को कहीं क्या, मतलब पेपर देने जाना था ना, तो एक बार तो मैंने बना लिया। अभी किचन में पूरी फैली हुई है, अभी हमने नाश्ता नहीं किया, मतलब हमने या बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने नहीं किया है, और पूरा घर मेरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है, और मेन में सब नाश्ता, अभी नाश्ते का ही काम हुआ है, टाइम अभी 9 बज रहा है, पूरा घर अभी मेरा फैला हुआ है, उस किनारे भी पूरा घर फैला हुआ है। तो अब करूँगी मैं आराम से, मेरे का थोड़ा सा मैं कैमरा उठा लूँ, क्योंकि ना वीडियो नहीं बन पा रहे यार बिल्कुल भी। और अभी देखो कपड़े टके हुए हैं, ये तो खैर मुझे धूप में डालना है, मतलब ऐसे धोने नहीं है। और अभी पूरा घर मेरा मैशी पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे पता नहीं किसने रखा, ये भी मुझे ढंग से रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही उठाया रख दिया, क्योंकि मैं किचन में ही लगी थी, बहुत सारे बर्तन हो गए थे ना, देखिए बर्तन मैंने धोए हैं सुबह अभी एक बार के, तो इतने बर्तन मैं धुल चुकी हूँ, और अभी धोऊंगी, और पूरा बिल्कुल फैला फैला सा हो रखा है घर। और यहाँ पे मैंने कड़ी ना, जो खीरे वाली कड़ी होती है ना, खीरे वाली, तो वो बनाई है, क्योंकि अच्छी लगती है खीरे वाली कड़ी ना, 2-3 दिन से ना मैं वो वाली बना रही थी, जैसे होता है ना, जैसे हरी सब्जी मूली के पत्तों वाली बना लेते हैं, मैं तो आज खीरे वाली बना लेते हैं, क्योंकि फिर वो नहीं हो पा रहा है, मतलब फिर बच्चों को ना पसंद नहीं आती, बच्चों को ना मेरी या तो पकौड़ी वाली अच्छी लगती है, खीरे वाली अच्छी लगती है, पत्ते वाली अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए बना लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन में लाए थे, खीरा होता है ना सर्दियों में जैसे, और आज मैंने कैप पहनी हुई क्योंकि ना सुबह सुबह बहुत ठंड रहती है, तो सुबह सुबह पहन लेती हूँ, थोड़ी देर में उतार दूँगी, क्योंकि जब बाहर काम करूँगी ना, धूप में काम करूँगी तब तो गर्मी लग जाती है, तब मैं कैप उतारूँगा। मैंने सुबह सुबह अगर उठ के एकदम से कैप ना पहनूँ तो सिर ना, सिर में दर्द सा हो जाता है, और फिर दिन भर सिर में दर्द ही रहता है, इसलिए सुबह सुबह उठ के तो मैं थोड़ी देर मतलब कैप पहनती हूँ, भले शाम को ना पहनूँ ऐसा कुछ नहीं है, शाम को नहीं पहनूंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ना एकदम से सिर में हवा लगती है, तो इसलिए ठंडा ना बहुत हो चुका है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ना ठंडा बढ़ चुका है, हमें ना हाथ में दर्द रहता है बहुत देर तक पकड़ूँ ना, और सर्दियों में तो वैसे ही हाथों में दर्द, और आज पता सुबह सुबह लाइट भी चल गई थी, तो मैंने अभी मैंने दिखा ना आपको बर्तन मारा था ठंडे पानी से, हाथों से ना ठंडे से हो रहे हैं, आज सुबह सुबह लाइट भी चल गई है, सर्दियों में होता है ना क्योंकि गीजर वीजर मतलब लोगों के सबके बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो और दिन जा रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह चल गई है। खैर बाथरूम वाला गीजर तो मैंने मॉर्निंग में उठते ही एक बार ऑन कर देती हूँ, क्योंकि फिर नहाने के लिए पानी चाहिए होता है ना, मतलब मेरे को तो नहीं, मैं तो देर में नहाती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहाते हैं ड्यूटी जाने से पहले, तो इसलिए मैं उठते ही सबसे पहले गीजर ऑन कर देती हूँ, क्योंकि फिर ड्यूटी जाना होता है, फिर लाइट का फिर रहता ही है, सर्दियों में ना जाती है लाइट, थोड़ा ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि होता ही है भाई सारे काम लाइट से ही होते हैं, तो लाइट जाती है, तो बस मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, मेरा काम बहुत फैला हुआ है, फटाफट से काम कर लूँगी, फिर मिलते हैं आप। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे बैठ के थोड़ा बहुत ड्राइंग और क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, तो बच्चे थोड़ी देर ये है ना धूप में बैठ भी जाते हैं, और थोड़ा कुछ मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी सीख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चों का ना पढ़ाई का मूड तो होता नहीं है,
मॉर्निंग में, शाम को ही बच्चे पढ़ लेते हैं, दिन में बच्चों को ना पढ़ाई का मूड होता नहीं है, तो बस इसलिए थोड़ा ड्राइंग या क्राफ्ट करवा लेती हूँ, या थोड़ा बहुत वो धूप में खेल लेते हैं, तो बस वही सब ये कर रहे थे। और इधर मैंने मशीन में डाले हुए थे कपड़े, और उसके बाद नहाने धोने के बाद सारा मेरा मॉर्निंग का काम निपट चुका था, नहाना धोना भी हो चुका था, प्लस जो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ ये थे लंच के, तो थोड़े बहुत ही बर्तन थे ये भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हो जाता है आजकल अगर हाथों हाथ हम काम कर लेते हैं तो ठीक रह जाता है, वरना अगर काम छूट जाए ना तो पानी का काम करने में वैसे भी ठंड भी लगती है, और फिर काम छूटते छूटते ही जाते हैं, तो बस जितने भी थोड़ा बहुत बर्तन थे वो बर्तन सारे मैं उसके बाद फटाफट से कर लूँगी क्लीन। तो लंच हमारा हो चुका है, लंच तो खैर बहुत पहले हो चुका था, बर्तन वर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं, बच्चों को दूध दे दिया और यहाँ पे सो रहा है, सोया नहीं है अभी, उठा हुआ है, और ये करिए स्कूल का होमवर्क, तो बस थोड़ी देर में यहाँ पे बैठूंगी बच्चों के साथ ताकि ये सो जाए, वरना ना सोएगा नहीं। और अभी छत में कपड़े पड़े हुए हैं, छत में कपड़े पड़े हुए हैं, और कपड़े फिर छत से लाने हैं, तय लगाने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, तो थोड़ा बहुत काम बच्चा मतलब हो जाता है, शाम का भी होता है, फिर क्या बोलना है और यहाँ पे मम्मी मम्मी का ब्यूटी नहीं जाता। तारे क्या बोल रहा मम्मी का ब्यूटी ये भी सोया नहीं है, इसके साथ यही प्रॉब्लम है, इसीलिए इसके मुँह के कैमरा नहीं ले जाती, क्योंकि इसका कोई पता नहीं कब क्या बोलते होता है ना बच्चों का, कोई पता नहीं चलता कि क्या बोलते हैं, तो बस थोड़ा मतलब लगभग लगभग सारे काम निपट चुके हैं, लेकिन शाम के फिर वही काम शुरू हो जाएंगे, कपड़े तय लगाओ, कपड़े प्रेस करो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो, तो बस फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाएगी, बस उसी में दिन निकल जाएगा, फिर वो होता है ना सर्दियों के दिन भी छोटे होते हैं तो कब टाइम निकल जाता है, टाइम का पता नहीं चलता, और बच्चे दिन में मतलब इस टाइम ना धूप नहीं होती, अभी टाइम हो रहा है 3:30 लगभग और 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो धूप तो है खैर बाहर, लेकिन हमारे जैसे बरामदे में या वहाँ पर जैसे धूप नहीं है बिल्कुल भी अभी, तो इसलिए इस टाइम बच्चे मेरे मतलब अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इस टाइम उनका रेस्ट करने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, तो इसीलिए मैं उन्हें दिन में ना जबरदस्ती धूप में बिठा देती हूँ, क्योंकि सॉरी एक सेकेंड ना धूप में अगर मैं उन्हें धूप में नहीं बिठाऊंगा तो ये वाला छोटा वाला तो मेरे क्या करेगा, उधर मिट्टी में चला जाएगा, पानी में खेलने के लिए चला जाएगा, तो इसलिए मैं मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे ना उस टाइम थोड़ा क्राफ्ट का काम कर लें या लिखने का काम कर लें, तो उस टाइम ना बरामदे में हमारी बहुत अच्छी धूप आती है, और धूप की आजकल ना बहुत ज़रूरत होती है, खैर मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता धूप में बैठने का, कभी कभार बस थोड़ा बहुत इनके साथ ही बैठ जाती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत, फिर वही होता है वो भी काम के बीच में बैठती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता यार दिन भर में ना काम निपटते ही नहीं है, बस ऐसे हो जाता है, तो अब ये करो अब वो करो वो करो, ऐसा भी नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे 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 करते करते उतना ही टाइम हो जाता है, फिर कभी कोई काम निपटाना होता है, कभी कोई काम निपटाना होता है, तो इसी में सारा टाइम निकल जाता है, तो बस अब थोड़ी देर में इनके साथ बैठूंगी, मैडम कर रही है होमवर्क, तो इसका ना डेली होमवर्क आता है, इसका तो खैर बिजी रूटीन है बहुत, क्योंकि इसका मॉर्निंग में भी क्लास आती है, मॉर्निंग में आती है, फिर उसके बाद बीच में रेस्ट वो रहता है ब्रेक रहता है, फिर दिन में इसकी क्लास आती है, उसका इसका होमवर्क हो जाता है, तो इसका तो खैर टाइम का पता नहीं, ये है बस फालतू, ये है इनका कोई काम नहीं है, और ये जाएगा मंडे से स्कूल, हाँ नहीं ये मंडे से स्कूल जाएगा, क्योंकि उसको उसको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि ये मंडे से स्कूल जाए, और बेटी का तो खैर अभी है ही नहीं, स्कूल खुले ही नहीं है, ऑनलाइन क्लास ही चल रही है, तो बस ठीक। और शाम को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाल वाल, क्योंकि मैंने आज मतलब बाल ना धुले नहीं थे, तो दिन में मतलब नहाने धोने के बाद मुझे वही होता टाइम सा नहीं हो पाया था, तो बस मैंने सोचा थोड़ा बालों में भी कंघी कर लेते हैं, फिर होता है अगर हम छूट जाए ना तो कभी कभी होता है कि पता है बालों में ना कंघी लगाने का करने का भी टाइम सा नहीं होता, क्योंकि आलस सा भी आता है सर्दियों में ना, थोड़ा आलस हम लोग आप कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं या मैं ही करती हूँ भगवान जाने, लेकिन सर्दियों में थोड़ा आलस ज़्यादा ही सा ही आता है, तो बस मुझे अब इसके बाद छत में कपड़े लेने जाने था, तो फिर मैंने कहा चलो पहले फटाफट से बाल बनाती हूँ, क्योंकि फिर मैं छूट जाता तो छूट ही जाता था। हवा चल रही है बहुत ठंडी वाली, टाइम हो गया 4:30 लगभग हो रहे हैं, कपड़े धुले हुए कपड़े ले आ लेते हैं, क्योंकि अब धूप भी ढल चुकी है, देखिए अभी 5 नहीं बजे, पेड़ के पीछे ना दिख भी नहीं रहा है ना सूरज, पेड़ के पीछे है ना दिख भी नहीं रहा है, तो कपड़े निकाल लेते हैं, कपड़े ले जा लेते हैं, क्योंकि अब धूप भी नहीं है, मौसम हो चुका है ठंडा, और कपड़े
सूख गए कपड़े सारे, सूख रहे हैं, सूख गए हैं। कपड़े निकाल लेती हूँ फटाफट से पहले सारे, और छत से कपड़े लाने के बाद फटाफट से मैं कपड़े तय लगा रही हूँ। और जब मैं छत में गई तो बहुत ही गंदी और ठंडी वाली हवा चल रही थी, तो मैं वही सोच रही क्योंकि मैं पहले से अंदर ही बैठी हुई थी और फिर अंदर ही काम वाम किया तो बाहर गई ना, तो शाम का टाइम 5 बज चुके थे, तो बहुत बड़ी गंदी वाली और ठंडी वाली हवा चल रही थी। फिर मैं वही सोच रही थी कि अगर मैं टोपी पहन लेती तो फिर होता है ना डर सा भी लगता है कि कहीं सर में दर्द ना हो जाए, मोस्टली होता ही है जैसे हम पहले से मतलब बिस्तर में बैठे रहें या अंदर रहें एकदम से हवा में जाए ना, तो आजकल सर्दी में सिर दर्द सा हो जाता है या पता है जैसे जुकाम या तबीयत ख़राब सी हो जाती है। तो बस उसके बाद मैं फटाफट से कपड़े तय लगा लूँगी और उसके बाद मुझे कपड़े प्रेस भी करने थे क्योंकि फिर ये छोटे छोटे कामों में बहुत टाइम लग जाता है। और मैं 5 लगभग बज चुके थे, बस उसके बाद मुझे कपड़े तय लगाने थे, कपड़े प्रेस करने थे, और यहाँ पे जो हस्बैंड के कपड़े हैं ड्यूटी के जैसे जैकेट वैकेट ये सब मैं अच्छे से तय लगा रही हूँ। तो ये भी मतलब जो होते हैं ना आजकल जैकेट या मोटे भारी कपड़े, कुछ कुछ कपड़े मुझे इजी में हाथ से ही छालने पड़ते हैं क्योंकि इन कपड़ों को मशीन में डालते हैं तो ये मतलब जल्दी से ख़राब हो जाते हैं आप कह सकते हैं या ढीले से जाते हैं। तो इन कपड़ों में मोस्टली इजी में हाथ से ही धोती हूँ। और उसके बाद का ये वीडियो है और यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ काजू मटर मखाना की रेसिपी, तो जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और प्लस आप जैसे कभी घर में कोई गेस्ट आए तो उनके साथ भी मतलब आप उनके लिए भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे होता है ना मोस्टली हम लोग जैसे पनीर ही बनाते हैं, मोस्टली सब लोग जैसे कोई गेस्ट आए कुछ आए तो पनीर ही बनाते हैं, तो ये रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ आप नॉर्मली बना सकते हैं और बहुत टेस्टी होती है और बहुत ईजी है, ऐसा कोई बहुत तामझाम नहीं है। जैसे हम पनीर के लिए जैसे मसाला बनाते हैं उसी टाइप में है। तो पहले मैं प्याज अच्छे से प्याज फ्राई कर लूँगी और उसमें मैंने अदरक टमाटर प्लस काजू और जो आपके जैसे काली मिर्च हो सकती होती है या तेज़पत्ता आप कुछ भी वो कर सकते हैं मतलब अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं इस मसाले को अच्छे से पका लूँगी और मसाला पकाने के बाद मैंने अच्छे से पीस लिया था। तो मोस्टली मैंने बहुत बार आपके साथ ऐसे रेसिपी शेयर की हुई है तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया। तो मसाला मतलब जो मैंने प्याज और टमाटर फ्राई किए थे उसको अच्छे से मैंने पीस लिया था और दूसरी तरफ फिर से मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, तेल डाल लिया और एक तेज़पत्ता और दालचीनी मैंने इसमें तड़के के लिए डाल दिया है, इससे टेस्ट अच्छा था। और एक बात मतलब मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैंने जो मखाने हैं वो मखाने मैंने पहले फ्राई कर लिए थे तो वो क्लिप साथ मुझसे मिस हो गई, मैं दिखा नहीं पाई। तो मखाने मैंने पहले अच्छे से फ्राई कर लिए थे क्रंची होने तक, उसके बाद जो मैंने मसाला बनाया था उसको अच्छे से प्यूरी बना के पीस के मैं उसको वो कर लूँगी मतलब पका लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी और प्लस मैंने इसमें शाही पनीर मसाला भी इसमें मैंने डाला था। और मखानों को आप मतलब थोड़ी देर तक ही अच्छे से पकाएं वरना तो वो ना हो जाता मतलब हार्ड से रह जाते हैं, तो मखाने में थोड़ी देर तक ही अच्छे से पकाऊंगी। तो पहले तो मैं अच्छे से मसाले को पका लूँगी, मखाने मैंने अभी डाले नहीं है। और ये रेसिपी मैं पहले भी बहुत बार बना चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ और हैवी है थोड़ा आप कह सकते हैं हैवी और रिच रेसिपी है। तो आप यहाँ पे मसाला देख रहे होंगे और प्लस जो मैंने काजू है वो साबुत ही डाल लिए, जैसे आपने देखा होगा रेसिपी का नाम ही काजू मटर मखाना है तो एक्स्ट्रा कुछ काजू मैंने पीस लिए थे और कुछ मैंने मतलब साबुत ही डाल ली हैं। और यहाँ पे मैं पहले मखानों को अच्छे से पका लूँगी और मटर को मैंने उबाल लिया था, उबाल के अलग से रख लिए थे मैंने। तो जो मैंने इसमें मखाने डाले हैं इन मखानों को पहले मैं अच्छे से मतलब पका लूँगी क्योंकि मखाने थोड़ा पकने में टाइम लगता है वरना ना वो हार्ड से रह जाएंगे और सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस जब यहाँ पर मखाना अच्छे से पक गया था उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया था मटर, क्योंकि मटर उबली हुई है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कच्चा रहेगा या वो, तो मटर पकी हुई है। और प्लस मैंने दूध डाल लिया था थोड़ा सा, आप चाहें तो मतलब ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, मतलब पानी डाल के ही उसको मतलब ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। और प्लस उसमें मैंने ना मलाई भी डाली थी तो उसमें मैं शायद दिखा नहीं पाई हूँ, तो थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं। और प्लस यहाँ पे मैंने खूब सारी कसूरी मेथी इसमें डाल ली है, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, बहुत ही रिच है। और आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी कभी गेस्ट आए तो उसके लिए ज़रूर आप लोग बनाइएगा। तो बस ये है मेरी बहुत ही टेस्टी इजी सी काजू मटर मखाना की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।